हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम अगेन डिस्कसिंग 30 क्वेश्चंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिलेटेड 30 क्वेश्चंस मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप कोशिश कीजिए कि आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आप करेक्टली स्कोर कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, मेटल्स विद हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टेंड टू बी, यदि किसी मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब ये गैसेस में कन्वर्ट होने वाला, ये यदि एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि मेटल मेटल की फॉर्म में ही रहेगा, किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होना चाहेगा, और फॉर्म में चेंज नहीं होना चाहेगा तो वो मेटल हो जाएगा आपके पास में इनर्ट होने की उसमें टेंडेंसी आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटल मेटल बॉन्ड इज मोर फ्रिक्वेंट इन द कंपाउंड्स ऑफ, फिर ये ब्लैंक है, ट्रांजिशनल मेट एंड इट इज़ ड्यू टू, अगेन ब्लैंक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मेटल मेटल बॉन्ड जो होता है ना, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे प्लेटिनम प्लेटिनम सीएल सीएल, और ये आपके पास में एन एच थ्री फोर, इस टाइप से के कंपाउंड्स में क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये पूछ रहा है किस टाइप के कंपाउंड में प्रेजेंट होता है और इसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन हैवी ट्रांजिशन मेटल एंड स्मॉल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सेकंड है लाइट एंड हाई, सी इज हैवी एंड हाई, एंड डी ऑप्शन इज लाइट एंड स्मॉल। तो ये जो मेटल मेटल बॉन्ड जो मिल दिखता है, आप ही देखिए, प्लेटिनम प्लेटिनम तो 5D सीरीज से है, इसका मतलब हैवी मेटल एलिमेंट में ये होता है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन मेटल जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा हैवी, तो इस ब्लैंक में तो आ जाएगा हैवी। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एंथैल्पी एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है तो मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में हाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में हैवी एंड हाई, राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व, ऑप्शन आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, सेकेंड ऑप्शन इज सब्लिमेशन, सी ऑप्शन इज ए एंड बी बोथ, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं आपके पास में सॉलिड, और इनका एटमाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो मेटल है इसको गैसेस में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके बाद में उसको गैसेस में। तो लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो पहले आपने क्या किया है, मेल्ट किया है, और उसके बाद में लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया है, तो उसके बाद में आपने बॉयल किया है, या फिर आप ये कह सकते हो डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने मेटल को सब्लीम किया है। तो ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में इसमें भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल इंक्रीजेज देन द इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस इन जनरल, ऑप्शन आर इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन इज डिक्रीज, सी ऑप्शन इज सेम, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। जब होता क्या है, मेटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा होते हैं तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है वही तो मेटल मेटल इंट्रैक्शन है। तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएंगे, तो राइट आंसर विल बी ए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास में, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो ये स्केंडियम, स्केंडियम के नीचे आता है यट्रियम, और यट्रियम के नीचे आता है लैंथेनम, तो ये इनमें एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3D का है, 4D का है, और ये 5D का है। डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, और ध्यान रखिएगा ये थर्ड ग्रुप में है, तो थर्ड ग्रुप में लैंथेनम और कॉन्ट्रैक्शन आता नहीं है, तो स्केंडियम से ज़्यादा होगा यट्रियम का, यट्रियम से ज़्यादा होगा लैंथेनम का, राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, ये +3 आयन्स की बात कर रहा है, M3+ में, और मेटल्स आपके पास में स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम और क्रोमियम। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनिक रेडियस जो होती है इनके लिए डिक्रीज होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में स्केंडियम 3+ देन टाइटेनियम 3+ देन वेनेडियम 3+ देन क्रोमियम 3+, तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, ऑप्शन हैं कोबाल्ट 2+, निकल 2+, आयरन 2+ और मैंगनीज 2+। तो यही है, इन्हीं चार मेटल्स का आयन बना रखा है, सीक्वेंस देखिए, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट और निकल, तो इनमें +2 के साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है, और लेफ्ट टू राइट मूव करने पे +2 आयन्स की जो साइज होगी वो डिक्रीज करती जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्डर ऑफ
एटॉमिक रेडियस इज। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे आता है आपके पास में RH और RH के नीचे आता है आपके पास में IR। तो ये 3D हो गया, ये 4D हो गया और ये हो गया आपके पास में 5D। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे साइज इंक्रीज करती है, तो कोबाल्ट से ज़्यादा साइज होगा IR का, लेकिन IR में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते 4D और 5D का जो साइज होगा वो नियरली सेम होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपके पास में D। नेक्स्ट इज शील्डिंग ऑफ 1 4F इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज, फिर ये ब्लैंक स्पेस है, कंपेयर टू शील्डिंग ऑफ 1 4D इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। ध्यान रखिएगा जैसे जैसे सबसेल दूर होती जाएगी न्यूक्लियस से, वैसे वैसे एक दूसरे को शील्ड करने का जो चांसेस होते जाएंगे विद इन द सबसेल वो कम होता जाएगा। तो 4D से दूर है आपके पास में, 4D से दूर आपके पास में 4F। तो शील्डिंग ऑफ 1 4F इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज ब्लैंक कंपेयर टू शील्डिंग ऑफ 1 4D इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, तो ये हो जाएगा आपके पास में लेस, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, फर्स्ट इज इम्परफेक्ट शील्डिंग बाई 4F इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड इज इम्परफेक्ट शील्डिंग बाई 5D इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट सी ऑप्शन इज इम्परफेक्ट शील्डिंग बाई 6S इलेक्ट्रॉन एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण आप ध्यान में रखना है, इसका कारण होता है इम्परफेक्ट शील्डिंग बाई 4F इलेक्ट्रॉन्स, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D सही है, ये सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D ये भी सही है, एंड सी ऑप्शन आपके पास में सिमिलरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D ये भी सही है। तो यहाँ से आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज व्हाई डज जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन 3D सीरीज एलिमेंट्स। अच्छा ऑप्शन आर नॉन पेड इलेक्ट्रॉन इन जिंक, मेटलिक करेक्टर, सी इज क्लर क्लरलेस जेड एन 2+ ion एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों है जिंक का, मतलब जिंक सॉलिड जो होता है वो जिंक गैसियस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका राइट कारण होगा कि जिंक के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके चलते इंटर एटमिक इंट्रैक्शन वीक हैं, जिसके चलते ईजिली ये एटमाइजेशन या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी आपके पास में ए विल बी राइट आंसर इन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए यूनिपॉजिटिव आयन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज DnS0, सेकंड इज DnS1, सी ऑप्शन इज DnS2 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। देखिए किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मान लीजिए आपके पास में DnS2, और इसका जब यूनिपॉजिटिव आयन बनेगा ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो S से, तो हो जाएगा ये DnS1। बट होता क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये मूव करके आ जाता है आपके पास में S से D पे, तो केवल D में इलेक्ट्रॉन होंगे, आप N कह दीजिए, N+1 कह दीजिए, और S में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में A विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सचेंज एनर्जी इन जनरल। ऑप्शन आर इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि जब S से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो S1 रहा। अब ये जो एक्सचेंज S में जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा S में ना रह करके ट्रांसफर कर जाएगा D में, और D के अंदर क्या होता है कि सेम एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसके चलते मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो A विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज क्वाइट लो, इट इज़ ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रोमियम एंड क्रोमियम प्लस हैव सेम एस कॉन्फिगरेशन, क्रोमियम एंड सेकंड ऑप्शन इज क्रोमियम एंड क्रोमियम प्लस हैव सेम डी कॉन्फिगरेशन, सी ऑप्शन इज क्रोमियम एंड क्रोमियम प्लस हैव सेम पी कॉन्फिगरेशन एंड डी ऑप्शन इज क्रोमियम डज नॉट हैव एफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या कारण होगा कि क्रोमियम में है D5S1 और क्रोमियम प्लस में है आपके पास में D5S0, तो जिसके चलते क्या है कि डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों में सेम है, जिसके चलते इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस भी दोनों में आइडेंटिकल हैं, और इंटर सॉरी ये इसका कारण
हाँ यही होगा कि ये जो इंट्रैक्शंस हैं इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और एक इलेक्ट्रॉन खाली ये एस में था जिसको हटाना आसान है, तो कारण रहेगा क्रोमियम एंड क्रोमियम प्लस हैव सेम डी कॉन्फिगरेशन, तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनेशन एनर्जी अमंग गिवन मेटल्स इज क्रोमियम मैंगनीज कॉपर और जिंक। तो मेटल्स हैं आपके पास में क्रोमियम मैंगनीज कॉपर और जिंक, सारे 3D सीरीज के मेटल्स हैं, तो ध्यान रखना 3D सीरीज में हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी होती है आपके पास में जिंक की। रीजन क्लियर है, D10H2 और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड जिसके चलते आयनेशन एनर्जी हाई है, 3D सीरीज में मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी है जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनेशन एनर्जी अमंग गिवन मेटल्स वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज और स्कैंडियम, इनके लिए सेकेंड आयनेशन एनर्जी किसके लिए ज़्यादा है? तो यहाँ से आप देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, D3S2 D5S1 D5S2 और D1S2। तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी किसके लिए ज़्यादा होगी? जब आप पॉजिटिव आयन बनाओगे तो ये हो जाएगा, आप कह सकते हो D4 D5 D5S1 और D1S1। तो हाईएस्ट जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डी सबसेल है वो हाफ फील्ड है, जिसके चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ही मुश्किल है, इसके चलते जो सेकंड आयनेशन एनर्जी हो जाएगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी किसके लिए? क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक में आपको देखना है, कॉपर और जिंक फर्स्ट आयनेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी इज़ हायर फॉर रेस्पेक्टिवली कॉपर 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 जिंक 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 एंड जिंक कॉपर। तो यहाँ से देखें कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में D10S1, जिंक का है D10S2। ठीक है, जब आप फर्स्ट आयनेशन एनर्जी देखिए पॉजिटिव आयन बनाओगे तो हो जाएगा D10S0 D10S1, और जब 2+ बनाओगे तो हो जाएगा D9S0 D10S0। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी जो हाई होगी वो हो गई जिंक के लिए, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे पूरी सब सेल्स भी फिल्ड है, तो फर्स्ट तो हाई होगी आपके पास में जिंक के लिए, और सेकंड के लिए बात करोगे तो सेकंड हाई होगी आपके पास में कॉपर के लिए, क्योंकि कॉपर में D10 से इलेक्ट्रॉन हटाया जा रहा है सेकंड वाला, जबकि जिंक में एस से हटाया जा रहा है, तो सेकंड आयनेशन एनर्जी हाई होगी कॉपर के लिए। तो फर्स्ट विल बी हायर फॉर जिंक एंड सेकंड विल बी फॉर कॉपर, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन मैंगनीज एंड आयरन सेकेंड आयनेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी हायर फॉर रेस्पेक्टिवली, तो आपको देखना है मैंगनीज और आयरन में, तो मैंगनीज होता है आपके पास में D5S2, आयरन होता है D6S2। जब फर्स्ट आयनेशन एनर्जी आप इसको दो के बनाओगे तो ये हो जाएगा D5S1 D6S1, जब आप सेकेंड आयनेशन एनर्जी दोगे तो D5S0 D6S0, और जब आप थर्ड आयनेशन एनर्जी यहाँ पे दोगे आपके पास में तो D4S0 एंड D5S0। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सेकेंड आयनेशन एनर्जी जो ज़्यादा होगी वो होनी चाहिए आपके लिए, हायर होनी चाहिए आपके लिए मैंगनीज के, सेकेंड आयनेशन एनर्जी जो हाई होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए आपके पास में आयरन के लिए, क्योंकि मैंगनीज को आप देखो Mn से Mn+1, +1 से 2+ और 2+ से Mn3+, तो ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पे आपके पास में D5S2 D5S1 D5S0 और D4S0, ये तो रहेगा मैंगनीज का। और आयरन के लिए यदि आप बात करोगे तो आयरन के केस में होगा आपके पास में आयरन प्लस वन आयरन 2+ और आयरन 3+, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, D6S2 D6S1 D6S0 एंड D5S0। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी हाई वो होगी आपके पास में आयरन के लिए ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि मैंगनीज के लिए लो होगी, और मैंगनीज के लिए लो इसलिए होगी क्योंकि एस में एक इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान होगा, तो सेकेंड तो लो होगी मैंगनीज के लिए, तो हायर होगी
आयरन के लिए, तो सेकंड के लिए तो हो गए आपके पास में आयरन, और थर्ड के लिए यदि आप बात करोगे तो थर्ड वाली मैंगनीज के लिए बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि D5 से इलेक्ट्रॉन उठाया जाएगा, तो थर्ड हाई होगी आपके पास में मैंगनीज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन एंड मैंगनीज, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट चेंजेज फ्रॉम +2 to +3 स्टेट देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेज इन विथ सब सेल। देखिए जब +2 आ गया आपके पास में, जब +2 आ गया तो Dn आ चुका है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब +3 की तरफ भी जाएगा तो ये हो जाएगा Dn-1 S0। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज इन विथ सब सेल, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज करेगा D सब सेल में, तो C विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अमंग द गिवन एलिमेंट्स फॉर विच एलिमेंट्स सेकेंड आयनेशन एनर्जी इज हाइएस्ट। तो एलिमेंट्स है कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपके पास में D7 S2 D8 S2 D10 S1, और ये हो जाएगा आपके पास में D10 S2। तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी किसके लिए हाई होगी? सेकेंड आयनेशन एनर्जी सबसे हाई होगी कॉपर के लिए, फर्स्ट सबसे हाई होगी जिंक के लिए, क्योंकि D10 S2 है, S2 से इलेक्ट्रॉन उठ रहा है, और जब सेकंड की बात करोगे तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D10, तो D10 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो सेकंड आयनेशन एनर्जी विल बी हाईएस्ट फॉर कॉपर, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 इज हार्डली ऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट फॉर कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। कोबाल्ट क्या आ गया था, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। तो +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए जिंक की तो 2 से ज़्यादा आती ही नहीं है, कॉपर की भी नहीं आती है, जिंक के लिए ओनली +2, कॉपर के लिए +1 and +2, निकल के लिए मेनली +2 ही होती है, बट सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में इसके +4 भी हो जाती है, जैसे आपके पास में फ्लोरीन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें +4 भी इसकी हो जाती है, और कोबाल्ट के लिए ज़्यादातर +2 ही होती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस में हाइड वाटर जब लिगेंड होता है तो ये +3 भी कर जाता है। तो हार्डली +2 से ज़्यादा ऑब्जर्व होता है इन तीनों के लिए, निकल, कॉपर और जिंक के लिए, क्योंकि आयनेशन एनर्जी, थर्ड आयनेशन एनर्जी का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इनके लिए बहुत हाई होगी, लेकिन कोबाल्ट के लिए फिर भी ऑब्जर्व कर ली जाएगी, तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई ऑफ 3D सीरीज, दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई 3D सीरीज में, द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड आयनेशन एनर्जी ऑफ एक्स इज क्वाइट लो, मतलब सेकेंड और थर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फॉर वाई इज वेरी हाई, लेकिन यही डिफरेंस वाई में हाई है, देन एक्स एंड वाई आर एक्सपेक्टेड टू शो विच ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली, +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2। देखिए एक्स में क्या है ना कि जब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना, तो ये एक्स 2+ बनाने के बाद में +3 बनाने में इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो +3 ये इजीली बना देगा, तो इसके लिए एक्स के लिए तो हो जाएगा +3, लेकिन वाई के लिए क्या है, यही डिफरेंस ज़्यादा है, तो वाई +2 बनाने के बाद में +3 नहीं बना पाएगा, तो राइट आंसर विल बी डी। फॉर द गिवन एलिमेंट्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये क्रोमियम के नीचे आता है आपके पास में मोलिब्डेनम, और उसके नीचे हो जाता है आपके पास में टंगस्टन। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कि जो हैवियर एलिमेंट जो होगा उसके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके चलते ये +6 ईजिली शो करेगा, जिसके चलते WO3 स्टेबल होता है। क्रोमियम +6 में क्या होता है, क्रोमेट आयन बनाता है और डाइक्रोमेट आयन बनाता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। मोलिब्डेनम की बात करो तो MO3 बनाता है, और ये जो होता है आपके पास में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना क्रोमियम होता है, तो +6 का जो स्टेबिलिटी होता है वो नीचे इंक्रीज कर जाएगा, जिसके चलते ऊपर वाला ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो राइट आंसर विल बी ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑपरेटिव इन एलिमेंट्स ऑफ विच ब्लॉक, ये याद रखिएगा सब लोगों को, ये तो बेसिक चीज़ है, पी ब्लॉक के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑपरेटिव होता है, और पी ब्लॉक में मेनली 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और थोड़ा बहुत 15 ग्रुप, 16 ग्रुप में ना के बराबर, और 17 ग्रुप में ऑलमोस्ट इफेक्ट ही खत्म इसका, मेनली 13 और 14 में, तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज फेवर्ड इन, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं? ऑप्शंस आर ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग SFL,
इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स. तो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड में तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करते हैं ये, तो ये तो आंसर होगा नहीं. स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड जो होते हैं वो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर नहीं करते हैं. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्साइड फ्लोराइड फेवर नहीं करते, SFL भी फेवर नहीं करते. लेकिन जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, आपके पास में कार्बोनिल, NO, PPH3, PR3, इस टाइप से. तो इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं ना, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये क्या होते हैं कि इनमें मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें शो करती है, जीरो लोअर है, जीरो इनमें शो करती है, इसके अलावा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में. तो राइट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन आयरन कार्बोनिल इज. तो ये आगे कोऑर्डिनेशन का ये क्वेश्चन है. वैसे मेनली देखा जाए तो इनमें सिजविक का EAN रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, सिजविक EAN रूल, जिसके चलते इसमें ये 36 इसमें का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आना चाहिए, और जिसके चलते ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. और इसका जो कॉन्सेप्ट के लिए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखिए एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट सर्विंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑप्शंस आर स्कैंडियम, जिंक, आयरन, एंड डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ. तो स्कैंडियम केवल और केवल +3 शो करता है, जिंक केवल और केवल +2 करता है, आयरन के लिए +2 और +3 दोनों ही कॉमन है, और ये आपके पास में ब्राउंडिंग टेस्ट में ये +1 भी शो करता है. ठीक है, तो किसके लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, स्कैंडियम और जिंक के लिए. तो राइट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर विच सीरीज. 3D के नीचे आता है 4D, और 4D के नीचे आता है 5D. तो अभी हम जो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बात की थी जो लोअर हैवियर एलिमेंट जो होते हैं उनके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में 5D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली डिफर बाय 1, 2, 3 एंड 4. देखिए पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, वो दो यूनिट से डिफर करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है. यहाँ पे वन यूनिट से भी डिफर कर सकते हैं. कॉपर देख लीजिए +1, +2 दोनों, कोबाल्ट देख लीजिए +2, +3, आप आयरन देख लीजिए +2, +3. ठीक है, मैंगनीज +3 भी, +2 भी, +3 भी, +4 भी, +6 भी, +6 भी, +7 भी. ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आपके पास में डी ब्लॉक के. तो एक बार आप एनालाइज कीजिए इस चीज़ को कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपके कितने सही रहे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.